उसको कैसे रिमूव करते हैं और कैसे चेंज कर सकते हैं। चलिए एक फोटो ले लेता हूँ मैं। ये फोटो मैं लेता हूँ, उसके बाद क्लिक एडिट। और यहाँ पे आपको लाइट से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। देखिए ऊपर में लाइट टैप था, लाइट टैप से कुछ लेना नहीं है। यहाँ पे कलर, अब इसके पिक्चर्स में देखिए, इस फोटोज़ में हम लोगों को क्या दिख रहा है, गोल्ड कलर कास्ट दिख रहा है। कलर कास्ट क्या होता है, बेसिकली एक रिफ्लेक्शन होता है या अनवांटेड कलर होता है, जो कि बहुत सारे फोटोज में कैमरा की वजह से या लाइट की वजह से आ सकता है। तो उसे हम लोग कैसे रिमूव करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए कलर, और यहाँ पे कलर कास्टिंग का कलर का वाइट बैलेंस है, एज सूट है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑटो भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग, यहाँ पर कलर कास्ट का कलर का जो टेम्परेचर से यहाँ पर इसको हम लोग अगर नेगेटिव स्लाइडर में ले जाएंगे तो गोल्ड जो है ब्लू में टर्न होगा। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, गोल्ड ब्लू में चला जा रहा है, ब्लू में टर्न हो जा रहा है। तो ये कलर कास्ट, अभी गोल्ड को हम लोग ब्लू में चेंज कर दिए, और टिंट भी यूज़ कर सकते हैं, टिंट भी थोड़ा सा हम लोगों ने यूज़ किया। अभी इसके साथ ग्रीन का भी कॉम्बिनेशन आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की तरफ है ये। तो ये था बेसिकली कलर कास्ट, ये कि अनवांटेड जो कलर्स है, सपोज वो गोल्ड अनवांटेड कलर्स को हम लोग को चेंज करना था, रिमूव करना था, अपने टेम्परेचर्स और टिंट यूज़ करके यहाँ से हम लोगों ने कर लिया। और अब चाहे तो यहाँ से वाइट बैलेंस का एज सूट क्या कैमरा जब फोटो लिया गया उस टाइम पे ऐसा फोटो आया था, और यहाँ पर ऑटो करेंगे तो थोड़ा सा चेंजेस होगा। और मैन्युअली हम लोग खुद से यहाँ पर टेम्परेचर मैंने रिड्यूस किया इसमें सिर्फ, और इसमें टिंट कलर भी चेंज करके थोड़ा सा इसको ग्रीन साइड में यहाँ पे, और फुल करेंगे तो पूरा पूरा ग्रीन हो जाएगा यहाँ पर, और अगर आप इस साइड जाएंगे तो ये पूरा ब्लू की तरह जाएगा। तो थोड़ा सा टिंट देते हैं यहाँ पर टेम्परेचर में भी, देखिए इसको हम लोग पूरा फुल तो पूरा ब्लू ब्लू हो गया। गोल्ड को थोड़ा सा मैं कन्वर्ट करता हूँ, इसी बोलते हम लोग कलर कास्ट कर सकते, कलर कंट्रोल्स कर सकते। और ये जो वाइब्रेंस और सैचुरेशन से मैं आपको नेक्स्ट फोटो में बताता हूँ, इसलिए मैंने अलग अलग फोटो से, क्योंकि एक फोटो में सारा इफेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर किसी भी कलर्स को अगर ऐसे रिफ्लेक्शन से उसको चेंज करना, तो हमने टेम्प और टिंट यूज़ किया, टेम्परेचर फोटो का जो था जिस लाइट के इफेक्ट से था उसको हम लोगों ने यहाँ पे चेंज किया। एक और चलिए दूसरा फोटो, वापस मैं फोटो ग्रिड्स में जाता हूँ, यहाँ पर आपको क्विकली दिखाता हूँ। अब जैसे ये फोटोज ले लेते हैं हम लोग, ये फोटो लेता हूँ मैं, इसको एडिट किया। अभी क्या है, सैचुरेशंस क्या होता है बेसिकली गाइस, ये क्या करता है, ये कलर के इंटेंसिटी को मजबूत करता है। अगर हम इसको प्लस में किए हैं तो अब रेड का जो कलर आप देखो, जितना आप इसको प्लस में ले जा रहे हो, रेड का जो कलर का इंटेंसिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है। अभी आते आते डीप रेड हो गया, ये कलर का इंटेंसिटी बढ़ाया। और अगर आप नेगेटिव में माइनस में ले जाते हैं तो इंटेंसिटी कलर का डल होते जा रहा है। सैचुरेशंस का यही काम है यहाँ पर। तो फिर ये वाइब्रेंस क्या करता है, वाइब्रेंस क्या करता है दूसरे फोटो से आप ज़्यादा समझ पाएंगे। अब मैं वाइब्रेंस को यहाँ पे थोड़ा प्लस करता हूँ। देखिए रेड पे मैं रेड का सैचुरेशन थोड़ा रखता हूँ यहाँ पर, और मैं ये जो है वाइब्रेंस को मैं कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फ़र्क कहाँ पर पड़ रहा है, फ़र्क आपका पीछे का बैकग्राउंड देखिए। तो वाइब्रेंस जो है वो आपका सिर्फ पीछे का बैकग्राउंड पे ज़्यादा, पीछे का जो ट्री है कार है उसके ऊपर आप देखिए उसका कलर देखिए वो ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो वाइब्रेंस का बैकग्राउंड में आप चेंज कर सकते हैं, और सैचुरेशन मेनली स्किन टोन भी चेंज होता है सैचुरेशन से यहाँ पर, क्योंकि मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो क्या है कि पूरा स्किन टोन भी चेंज हो रहा है। तो कलर सैचुरेशन क्या है, कलर का कोई भी पिक्चर में जो भी कलर है, ड्रेस है, स्किन का टोन है, वो चेंज हो जाएगा। आप एक दूसरे फोटो से देखिए जहाँ पे बैकग्राउंड हम लोग चेंज करेंगे, और ये फोटो मैं ये फोटो लेता हूँ। यहाँ पे जो सॉक्स पहने हैं मॉडल ने, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर सैचुरेशन, अब इसको ध्यान से देखिए फोटो में सॉक्स को देखिए। अब मैं जैसे सैचुरेशन से बढ़ा रहा हूँ, वो जो सॉक्स का जो कलर है इंटेंसिटी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जीरो था ये था, और मैं इसको स्ट्रॉन्ग किया। अब आप देखिए ओरिजिनल्स में पहले ऐसा था और अभी ऐसा है। अब ये जो वाइब्रेंस है, अब मैं इस वाइब्रेंस को लेकिन क्या है, अब मैं इसके वाइब्रेंस को बताता हूँ। अब मैं वाइब्रेंस को यूज़ कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो आप देखिए जो सॉक्स है उस पर ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन पीछे का जो बैकग्राउंड से
अगर नेगेटिव में लेके जाएंगे तो उसको डल, सबको डल कर देता है। अगर सिर्फ मैं चाहता हूँ पीछे का जो बैकग्राउंड से ब्लू मैट और ग्रीन वो थोड़ा वो भी स्ट्रांग हो जाए, तो आप उसके लिए सिर्फ अलग से वाइब्रेंस यूज कर सकते हैं। ये मेन ऑब्जेक्ट पर इतना फर्क नहीं देता। ये देखिए पहले का फोटो है और ये अभी का फोटो है, दोनों में बैकग्राउंड देखिए इसका ब्लू और ये काफी डल है, और अभी का फोटो में देखिए काफी स्ट्रांग बैकग्राउंड है। तो ये फोटो भी आप देख लीजिए एक बार। सेकेंड में इसको भी आपका सेचुरेशन इसका इसका मैं वाइब्रेशन को इंक्रीज करता हूँ। तो ये जो बैकग्राउंड है जहाँ पर पैर रखिए देखिए ब्लू बैकग्राउंड जो है काफी स्ट्रांग हो जा रहा है वो। और सेचुरेशन करते हैं तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है सेचुरेशन, तो देखिए अब स्किन टोन और ऑब्जेक्ट जो सॉक्स पहनी है अब ये देखिए बॉडी कलर भी आपका चेंज हो गया, येलो में हो गया। तो मैं सेचुरेशन दिया और मैं वाइब्रेंस भी यूज किया बैकग्राउंड के साथ, इससे आपका दोनों मेंटल बैलेंस बना रहता है। ये सेचुरेशन और वाइब्रेंस का ये यूज था यहाँ पर। तो आपने देखा कि कलर कैसे है, कलर टेम्परेचर का, इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ओवरऑल फोटो में भी बढ़ेगा जिससे बॉडी भी टेम्परेचर चेंज होगा। तो ये बेसिकली कलर का जो मेन मैनर टेम्परेचर चेंज वाइब्रेंस और सेचुरेशन का ये यूज थे। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे इफेक्ट के साथ हम लोग मिलते हैं। अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।